में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देवांशु गौतम जी, जो समाज के हर कार्य को बहुत अच्छे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। देवांशु जी, आपका ऐसे लोगों में स्वागत है। देवांशु जी, एक बात बताइए, बाबा साहब के जो सपने थे, बाबा साहब ने अपना संपूर्ण जीवन बहुजन समाज के लिए लगा दिया। उन्होंने अपने परिवार की चिंता नहीं करी, उनके बच्चे अभी भी लेटे हुए हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने सिर्फ समाज की बात करी। उनकी धर्म पत्नी ने उनको बोला कि आप आ जाइए, अभी आपका बच्चा सैया पे लेटा हुआ, तब भी उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अभी नहीं आ पाऊँगा और मैं मिशन के लिए, समाज के लिए मुझे जाना है। तो जो बाबा साहब का सपना था, वो उसके सपने को कहाँ तक साकार होता देख रहे हैं आज? सब लोग बुद्धिजीवी हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो किस मोमेंट को कहाँ तक देखते हैं आप, ये सपना कहाँ तक सक्सेस हो रहा है? देखिए, ऐसा है जो आसमानी बुद्धिजीवी आ रहे हैं, हम युवाओं को इस समय निर्लिप्त नहीं कर सकते। जिस तरह से आज युवा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और बाबा साहब के जो कारवा हैं उसको आगे बढ़ा रहा है, और बाबा साहब का जो कारवा था उसको मान्य कांसीराम साहब बढ़ाए, आज दिल्ली हम संस्कृति मना रहे हैं यहाँ पर। तो उस कारवा को आज जो युवा वर्ग है उसको काफ़ी मतलब जिम्मेदारी के साथ अपना निर्वहन कर रहा है, उसको ले आ रहा है बाबा साहब का कारवा और मान्य कांसीराम साहब को कारवा को आगे ले आ रहा है। बाबा साहब का सपना था कि हाँ, इस देश के हुक्मरान हों और इस देश के सांसद पर कब्जा करें, तो उन्होंने इस सपने को दिया। इस सपने को मान्य कांसीराम साहब ने एक्सेप्ट किया। मानव कांसीराम साहब इस मिशन को, जब तक वो जीवित थे, वो मिशन को अपने जिम्मेदारी के साथ, अपनी तत्परता के साथ मिशन के काम में लगे हुए हैं। और जब मानव कांसीराम साहब इस दुनिया से चले गए, तो उस मिशन को बहन कुमारी मायावती जी मिशन पर लेके अपना काम कर रही है। तो ऐसा नहीं हम युवाओं को नज़रअंदाज करते हैं, आज युवा वर्ग ही है जो कि बाबा साहब के कारवां को आगे ले आ रहा है, और हमें आज की युवाओं से बहुत अपेक्षा है। और मैं खुद युवा हूँ, मैं खुद सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ हिस्सा लेता हूँ, और मुझे बहुत खुशी होती है कि जो बाबा साहब ने आज अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दिया, माता रमाबाई ने अपने बच्चों की पैसे क्लियर की वजह से उनको सही से इलाज तक नहीं करवा पाए बाबा साहब और माता रमाबाई, और आज उसी जो बाबा साहब ने कष्ट झेला था, उस कष्ट की वजह से आज हम इस मुकाम पहुँचे हैं कि हम लोग आज एक अच्छे से परिवेश में रह रहे हैं। तो मेरा मानना है कि जो कांसीराम साहब का सपना था, बाबा साहब का सपना था, उस सपने को आज का युवा पूरी तत्परता के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहा है। तो आने वाले समय में भी अब आज जैसे कि हम देख रहे हैं, हाँ, टाटा सोशल साइंस इंस्टीट्यूट में आज युवाओं ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और जिससे कि लग रहा है कि हाँ, आने वाले समय में ये जो बाबा साहब का सपना था, मानव कांसीराम का सपना था, वो युवा और आगे तक ले जाएगा, और जिस दिन इस देश की सांसद पर कब्जा कर लेगा, पार्लियामेंट पर कब्जा कर लेगा, सांसद पर कब्जा कर लिया जाएगा, उस दिन के हम देश की शासक जमात बन जाएंगे। शासक जमात बन जाएंगे तो उस दिन हमारे पार्लियामेंट पर कब्जा कैसे होगा? देखिए, पार्लियामेंट पर कब्जा हमें वोट से कर पाएंगे, क्योंकि पार्लियामेंट का कब्जा मानव कांसीराम साहब ने हमें बहुजन समाज पार्टी दिया, और वोट की ताकत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दिया। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जानते थे कि हमारा जो समाज है वो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, तो उन्होंने एक मतलब जो अमेंडमेंट था उसमें कहा कि हाँ, जो 18 वर्ष के हैं उनको हम मताधिकार का हक देंगे, और बाबा साहब ने उस अधिकार को हमको दिया। हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर उनको मताधिकार है, हक है, और वो अपने मताधिकार का उपयोग करके एक अपनी अच्छी साफ सुथरी व जो बहुजन हित की सरकार बना सकते हैं, जिससे हम आने वाले समय जिस तरह से कांसीराम साहब ने सपना देखा था कि सम्राट अशोक का बौद्ध में भारत बनाने का सपना देखा था मान लो कांसीराम साहब ने, उस सपने को हम पूरा कर सकते हैं, और जिस दिन हम पार्लियामेंट में कब्जा करते हैं।